एक आदमी कुछ फूल लेके घर से निकलता है, अरे तीनों टेम्पल है, मंदिर है, ठीक है। फूल चढ़ाने से पहले सब में यहाँ पे पानी की हौज है, इसमें धुलता है, जैसे धुलता है तो फूल डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो एक रेशियो के हिसाब से सबके चढ़ाता है, यहाँ पे जाता है धुलता है डबल होता है तो अपने से जितना चढ़ाना होता है चढ़ा देता है, फिर जो बचता है इस मंदिर पे जाता है उसमें धुलता है, जितना इस पर चढ़ाया तो उतना इस पर भी चढ़ा देता है, फिर जो बचता है इस पर ले जाकर धुलता है तो जितना चढ़ाना होता है उतना ही डबल होता है। बताना ये है कि कितना घर से लेके आता और सब मंदिर पर कितना कितना फूल वो चढ़ाता है, समय 3 मिनट। नहीं समझ में आया सवाल दोबारा बता दूं। एक आदमी घर से कुछ फूल लेके निकलता है, उसके 3 मंदिरों में चढ़ाते हुए जाता है, चढ़ाने से पहले फूल को धुलता है तो फूल डबल हो जाता है, एक रेशियो के हिसाब से सबके बराबर बराबर चढ़ाता है, डबल पहले में गया धुला डबल हो गया, उसमें से जितना चढ़ाना था चढ़ा दिया, फिर बगल वाले में गया फिर धुला, फिर जितना डबल हुआ जितना चढ़ाना था जितना रेशियो उतना चढ़ाया, एक मान के तीसरे वाले में जैसे धुलता है तो जितना चढ़ाना तो उतना ही फूल डबल होता है, चढ़ा के घर आ जाता है। तो बताना ये कि घर से कितना लेके निकला और सब मंदिर में कितना फूल उसने चढ़ाया। चालू हो जाएगा आपको काफ़ी बिन यूज कर सकते हैं, जिसको आएगा वो हाथ उठाए, काफ़ी बिन यूज करिए, ऐसे दिमाग से सोचते रह जाएंगे। दो फूल तो चल यही समझाई बोलते क्यों, चल यही बताइए क्या दिक्कत है, हाँ ये समझाइए ना, वही बात समझाना है। अच्छा ठीक है, बोर्ड पे नहीं जाएंगे, चलिए बताइए। दो फूल ले गया, पहले तो उसने धुला तो 4 फूल हुए, दो फूल कितना फूल चढ़ाएगा, दो फूल चढ़ाए, फिर दो बच गए, अगले पे धुला फिर 4 हो गए, दो बच गए, लास्ट में फिर धुला, हाँ तो 4 हो, तो दो चढ़ाए दो बच गया, फिर बच गया, बचना नहीं है, लास्ट पे खत्म हो जाना है। सच कहिए।